हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन् दर्शनम् नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर रहे हैं। ओम सहनावतु सदृशं तत्त्व
आप भी सही जीवन जी सकते हैं।
और एक सही जीवन जी करके ही जीवन को सुखी शांत और मुक्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है, जीवन में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। जीवन में जीवन से बड़ा नौ धन है, नौ भवन है, नौ परिजन है। जीवन में जीवन से बड़ा नौ पद है, नौ प्रभुत्व है, नौ प्रतिष्ठा है। जीवन में जीवन से बड़ा नौ शक्ति है, नौ संपत्ति है और नौ संबंधी है। यहाँ तक कि जीवन में जीवन से बड़ा नौ देव है, नौ पितर है और नौ ही ईश्वर है। जीवन देवता के महत्व को बताने के संदर्भ में हम यह चर्चा करके आए हैं। यदि सर्वोच्च सत्ता के रूप में सनातन धर्म के अंदर ईश्वर की प्रतिष्ठा है और निश्चित रूप से ही इस जीव और जगत के सृष्टा एवं ज्ञाता समस्ति चेतना ईश्वर की सत्ता मान्य है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि सर्वोच्च सत्ता के रूप में ईश्वर की प्रतिष्ठा है, यह ईश्वर की भी खोज करेगा कौन? इस ईश्वर का साक्षात्कार करेगा भी कौन? जीवन रहेगा तभी तो। इसीलिए जीवन के अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व सिद्ध होने के पश्चात ही अन्य किसी चीज का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यह निर्देश किया है, जीवन में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए यह सिद्धांत वाक्य दिया कि जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना करके व्यवहारिक सत्य से दूर हो जाता है, वह किसी अन्य परोक्ष देवी देवता की पूजा आराधना करके अपने जीवन को सुखी शांत और मुक्त नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव का यही जीवन की प्रतिबद्ध घोषणा है और यही संदेश है। इसीलिए इस जीवन देवता के महत्व को उपनिषद ने भी इस रूप में प्रतिपादित किया, नास्ति नदात्परो मंत्रो नौहि एव स्वात्मना परः आत्मानुसंधानं परा पूजा स्वरूप अवस्थिति ही परा मुक्ति ही। कहने का अभिप्राय है, उपनिषद ने तत्वदर्शी महापुरुष यह घोषणा करते हैं कि नाम से बढ़कर की दूसरा कोई मंत्र नहीं है,
नास्ति खरा करो मंत्रो ना ही देवा स्वाद बना पड़ा और अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है और इस आत्मदेव के आत्मा के अनुसंधान के जैसा दूसरी कोई पूजा नहीं है। आत्मा अनुसंधान पड़ा पूजा, आत्मा का अनुसंधान करना ही सबसे बड़ी पूजा है और स्वरूप अवस्थिति ही परा मुक्ति ही। आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ से बढ़कर दूसरी कोई मुक्ति नहीं है। इस प्रकार से इस जीवन देवता का जो महत्व जानता है वही अपने जीवन में इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करके अपने जीवन को पूर्ण करता है, सुखी शांत और मुक्त करता है। इसीलिए इस जीवन देवता के स्वरूप को समझने के लिए इससे संबंधित तीन मूलभूत प्रश्नों पर विचार किया गया है। तीन मूलभूत प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है जीवन क्या है, अर्थात जीवन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन जीने का प्रयोजन क्या है। यह है दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि जो जीवन का लक्ष्य है, हम जीवन में जिस चीज को चाहते हैं उसको पूरा करने का उपाय क्या है, उसके साधन क्या है। जो इन तीन मूलभूत प्रश्नों को जान लेता है, समझ लेता है, उसको इतना जीवन विज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह एक व्यवस्थित जीवन जी सकता है और जीवन की यात्रा को सफल कर सकता है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इन तीन मूलभूत प्रश्नों में हम सभी लोगों ने दो प्रश्नों के ऊपर विचार कर लिया है कि जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन किसे कहते हैं, इसको तीन धरातल पर समझ लिया है। दूसरा प्रश्न जो है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं या जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात को भी तीन स्तर से हम सभी लोगों ने विचार के माध्यम से समझ लिया है। आज तो तीसरे प्रश्न पर विचार करना है कि जीवन में जिस चीज को हम चाहते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है उसका उसको पूरा करने के उपाय क्या है, उसको प्राप्त करने का साधन कौन सा है। बहुत सारे लोग नए नए आज आए हैं, अंत भला तो सब भला करना पड़ता है। जिन दो प्रश्नों पर हम सभी लोगों ने विचार कर लिया है उसका संक्षेप से उपसंहार करते हुए हम तीसरे प्रश्न के विचार पर आते हैं। इन सारी बातों को मैंने नोट कर लिया है और चूंकि समय कम है इसीलिए उसको सूत्र रूप में संक्षेप से आप सभी लोगों की संज्ञान में उपसंहार करते हुए इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, जीवन विज्ञान को समझने के लिए, जीवन देवता के स्वरूप को समझने के लिए तीन मूलभूत प्रश्न में जो पहला प्रश्न है कि जीवन का स्वरूप क्या है, अर्थात जीवन किसे कहते हैं, इसको तीन धरातल पर हम सभी लोगों ने समझा कि इस फूल धरातल पर चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम ही जीवन है, क्योंकि पंच तत्व का बना ये पुतला
हार मांस अविचार है, जब तक है ये जीवन कहलाता सुमिरन करता है। जीवन के इसी स्थूल धरातल पर की इस परिभाषा को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में सूत्र के रूप में कहा कि जल ही जीवन है। तो स्थूल धरातल पर जीवन का यही अर्थ है, जीवन की यही परिभाषा है। क्या? कि चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है। अब सूक्ष्म धरातल पर जो जीवन की परिभाषा है, जो जीवन का अर्थ होता है, वो किस रूप में निश्चित किया गया? चूंकि शरीर तो एक निश्चित आयु के बाद मर जाता है, तो क्या शरीर के मर जाने के बाद मूलतः जीवन स्वरूप से ही नष्ट हो जाता है, या जीवन का कुछ भाग अवशेष रह जाता है? आज विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है कि कोई भी चीज मूलतः नष्ट नहीं होती, केवल उनका स्वरूप बदल जाता है। तो इसीलिए सनातन धर्म की परिभाषा में जो जीवन है ना, उस जीवन का जो मूल तत्व है उसको बोलते हैं जीव। और यह जीव जो तत्व है, शरीर के मर जाने के बाद भी जीव का नाश नहीं होता। इसीलिए सूक्ष्म स्तर पर जीवन की यह परिभाषा निश्चित होती है कि नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम भी जीवन है। केवल जब तक जीवित शरीर है तभी तक जीवन है, ये तो स्थूल धरातल पर की बात है। तो केवल स्थूल शरीर तक ही हमारा जीवन सीमित नहीं है, बल्कि इस नश्वर शरीर के भीतर जो नित्य और अविनाशी जीव है, इस नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। आकर चार लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जो नित्य और अविनाशी जीव है, यह इस सृष्टि में देहांतर और लोकांतर में निरंतर गतिशील है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए उपदेश में यह निर्देश किया कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। जो गतिशील चेतन है उसी का नाम है जीव। ये नित्य और अविनाशी है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो निर्मित यह शरीर है, तो प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण से इसीलिए यह शरीर भी परिवर्तित होता है और एक दिन नष्ट भी हो जाता है। तो चूंकि नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस तथ्य को अपने उपदेश में सूत्र के रूप में बतलाया कि गतिशीलता ही जीवन है। उपदेश क्या है पूरा? सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। तो किसकी गतिशीलता? चूंकि जीवन में मूल शब्द है जीव, और वो जीव है नित्य अविनाशी, तो नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। तो ये सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा है, जीवन का अर्थ है। लेकिन पारमार्थिक धरातल पर, सुपरलेटिव डिग्री पर, अंतिम धरातल पर जो जीवन का अर्थ है, जो जीवन की परिभाषा है, जो जीवन का मूल स्वरूप है, ये किसी किसी तत्वदर्शी महापुरुषों को पता है। और उन्होंने बताया कि जीवन का जो मौलिक स्वरूप है वह ब्रह्म और आत्मा है। आपके जीवन का जो मौलिक स्वरूप है वह ब्रह्म और आत्मा है।
इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं, और सत्य है कौन? आत्मा एक सत्य सनातन सच्चा। अंतिम सत्य परम सत्य है कौन? उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसीलिए उपनिषद घोषणा करता है कि जीवो ब्रह्म को अपना, जीव का पारमार्थिक स्वरूप सचित आनंद अद्वितीय ब्रह्म ही है। इसीलिए तो हम सभी लोग प्रार्थना में प्रतिदिन दोहराते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? जी का माने जीव का, जीव का पारमार्थिक स्वरूप, इनका अपना वास्तविक स्वरूप परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है। यह ज्ञान यह बोध हमें जीवन में हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुप्रासी। जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह कैसा है? कहा कि वह चेतन है, अमल है और सहज सुप्रासी है एवं निर्विकार है। तो इस प्रकार से जीवन का जो पारमार्थिक स्वरूप है, जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, वो सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए जीवन के इस मौलिक स्वरूप को बताने के लिए उपदेश में सूत्र के रूप में लिखा कि ज्ञानामृत जीवन है। जीवन क्या है? तो जीवन ज्ञान और अमृत है, माने जीव का पारमार्थिक स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, इसको तीन धरातल पर हम सभी लोगों ने विचार किया। इस स्थूल धरातल पर चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है। सूक्ष्म धरातल पर नित्य वो अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, और पारमार्थिक धरातल पर जीवन का मौलिक स्वरूप सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्म और आत्मा। यदि ये बातें आपकी जानकारी में होती है, जीवन के इस स्वरूप को लेकर जीवन की इस त्रिविध धरातल पर जो इसकी परिभाषा निश्चित की गई है, इस पर बार बार मनन करना चाहिए, तब आपको अपने जीवन देवता के महत्व का हमेशा ख्याल बना रहेगा और आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते। अब जो दूसरा प्रश्न, इस जीवन देवता के स्वरूप को समझने की दिशा में तीन मूलभूत प्रश्न के अंदर जो दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, माने जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, इस बात को भी हम सभी लोगों ने तीन धरातल पर समझने का प्रयास किया। चूंकि जीवन की परिभाषा तीन धरातल पर निश्चित की गई, इसीलिए जीवन की जो चाहत है, जीवन में जो हम चाहते हैं, उसके भी तीन धरातल और तीन स्तर निश्चित होते हैं। हम सभी लोगों ने विस्तार से कल इस पर विचार किया है। सबसे पहला धरातल क्या है? हम जीवन में सबसे पहले क्या चाहते हैं? इसके बाद सूक्ष्म स्तर पर हम जीवन में क्या चाहते हैं, और मौलिक रूप से हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यदि आप गहराई से अपनी चाहत की ओर, अपनी चाहत की ओर, अपनी इच्छा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि आजकल
हम अपने जीवन में बहुत ऐसी अनावश्यक चीजों को केवल बाहर के स्थिति परिस्थिति को देख देख करके इतनी इच्छाएं पैदा कर लिए हैं, इतनी इच्छाएं पैदा कर लिए हैं कि जो हमारी मौलिक इच्छा है, हम चाहते क्या है, इसका पता ही नहीं चलता है। इसीलिए इस बात को तीन धरातल पर समझाया गया है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, कि इसमें जो सबसे पहली चीज है कि जीवन जीने के लिए आवश्यक आवश्यकता की चीजों में जो पहली मांग है, जो प्रमुख चीज है, वे तीन ही है, भोजन, वस्त्र और आवास। इसीलिए कहा गया कि जीवन के है तीन निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जीवन जीने के लिए प्रथम मांग है, जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है, भोजन, वस्त्र और आवास। और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक साधन है वो प्रकृति के पांच तत्व है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश। इस प्रकार से जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के पांच तत्वों में पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन एवं आकाश, चूंकि इसी से शरीर निर्मित है, चित्त, जल, पाप, गगन, समीरा, पंच रजत सकल समीरा। और ये प्रकृति के पांचों तत्व प्राकृतिक साधन के रूप में परमात्मा के द्वारा सबको समान रूप से प्रदत्त है। हमें केवल इन पांचों तत्वों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और प्रयोग करके हम अपने जीवन के भौतिक अस्तित्व को बरकरार रख सकते हैं। इन्हीं पांचों तत्वों का जो कृत्रिम रूप है और उन कृत्रिम रूपों में जो कई चीजें आती है, तो जीवन जीने के लिए आवश्यक आवश्यकता की चीजों में प्रमुख तीन ही है, रोटी, कपड़ा और मकान, याद है, भोजन, वस्त्र और आवास। अब ये चीजें हैं जो हम चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, सबसे पहले इसी चीज की मांग क्यों है जीवन में, क्योंकि जीवन का भौतिक अस्तित्व इसी से बरकरार है। कोई भोजन खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता, वस्त्र और मकान के बिना वह सुरक्षित नहीं रह सकता। प्रकृति के जो पांच तत्व है, जो उसका व्यवहारिक रूप पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश है, धरती एक सैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छादन है, इस रूप में किसका प्रयोग करना इसी सर्वप्रथम आवश्यक है, क्योंकि इसी से शरीर बना है, इसके बिना आप अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकते। यही कारण है कि जीवन के लिए प्रथम मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, अथवा पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश। अब सूक्ष्म धरातल पर सबके जीवन की जो अभिलाषा है उसको तीन रूप में ही देखी जाती है। इस पर भी हमने कल विचार कर लिया है। यदि थोड़ी सी सूक्ष्म बुद्धि के लोग हैं जिन्होंने जीवन को सूक्ष्म स्तर पर परिभाषित किया है, नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, इस स्तर पर जो जीवन का अर्थ समझता है, अब उस जीव के अंदर
तीन चीजों की अभिलाषाएं देखी जाती है। तो सूक्ष्म धरातल पर सबके जीवन की अभिलाषा है शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। हम भले ही अपमान सह लेते हैं साधारण दृष्टि से, लेकिन जीव मात्र के अंदर सबके जीवन की ये अभिलाषा है कि हमें अपने जीवन में मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान मिलने चाहिए। और कल मैं आपको बता करके आया हूं कि सबके जीवन की सूक्ष्म धरातल पर जो ये तीन अभिलाषा हृदय में निवास कर रही है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके जीवन की अभिलाषा है कि शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले और सम्मान मिले। जीव के अंदर जो सूक्ष्म स्तर पर उनके हृदय में ये तीन अभिलाषा विद्यमान है, निवास कर रही है, इसके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, दार्शनिक कारण क्या है, ये भी कल आपने समझा। चूंकि ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, ईश्वर का अंश है यह जीव, और ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर सर्वव्यापक है। तो चूंकि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, इसीलिए इसके सनातन अंश जीव के अंदर शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पाने की अभिलाषा है। या दूसरे शब्दों में कहें कि पद, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को पाने की अभिलाषा है। जीवन में प्रगति के लिए, जीव की उत्तम गति के लिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता है। और जो अपने भीतर ये तीन अभिलाषाएं लेकर के ये जी रहा है सूक्ष्म स्तर पर, चूंकि यह जीव सनातन परमात्मा का अंश है और वह ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने के कारण से उनके सनातन अंश जीव में पद, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा विद्यमान रहती है। तो सूक्ष्म स्तर पर सबके जीवन की ये तीन अभिलाषा है, मिले शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान अथवा पद, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा। लेकिन मौलिक रूप में हमारे जीवन की जो चाहत है, हम जीवन में जो चाहते हैं, जीव को अनादि काल से लेकर जो प्यास है, जिस चीज को पाने की बेचैनी है, जिस चीज के लिए व्याकुल है, वो क्या है, वो तीन चीज है। मौलिक रूप में जीव मात्र के अंदर तीन नैसर्गिक इच्छा है, और वो तीन नैसर्गिक इच्छा कौन कौन सी है, आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान को प्राप्त करने की, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सुख, शांति और स्वतंत्रता को पाने की। जिस प्यास को लेकर के, जिस अपरिप्ति को लेकर के यह जीव अनादि काल से इस संसार में भटक रहा है, जब तक अपनी इस अतृप्त इच्छा को, जब तक अपनी इस नैसर्गिक इच्छा को, इस प्यास को वो बुझा नहीं लेता है, तब तक यह चैन से नहीं बैठ सकता। बहुत सारे लोग अपने इस मौलिक रूप से जीवन की जो चाहत है, जीव की जो नैसर्गिक इच्छा है, इसको न समझ पाते हैं, न देख पाते हैं, और इसको नहीं देखने और समझने के कारण से ही दुनिया में अनेक अनेक चीजों को
अनेक अनेक चीजों को पाने की वो इच्छा बनाए रहते हैं और उसके पीछे वो भागदौड़ करते रहते हैं। लेकिन याद रखना कि जब तक यह जीव अपनी इन तीन मौलिक नैसर्गिक इच्छा को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक वह दुनिया के खिलौने से संतुष्ट नहीं हो सकता। सुख सब कोई चाहता है, मृत्युंजय जीवन जहां मौत की भी छाया ना हो, जिसको बोलते हैं अमरता। चूंकि कोई मरना नहीं चाहता, दुख ना मिले और उनको पूछा जाए कि कितने दिन तक तुम जीना चाहोगे, और यदि ईमानदारी पूर्वक बोले कि जीवन में यदि दुख न मिले हम कितना दिन तक जीना चाहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि हम कभी मरना नहीं चाहते। इस प्रकार से आनंद और अमरता जीव की नैसर्गिक इच्छा है, हम कभी न मरे और कभी न मरने की इच्छा का नाम ही अमरता है, और उसके साथ है अखंड विद्या। अखंड विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि गहराई स्तर पर आप देखते हैं कि एक मूर्ख आदमी भी मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, इसीलिए तो वो सूक्ष्म स्तर पर पहले शिक्षा चाहता है, क्योंकि मूर्खता उसका स्वरूप नहीं है, मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है, इसलिए सूक्ष्म स्तर पर वो पहले शिक्षा चाहता है, अपने आप को समझदार बनाना चाहता है। समझदार बनाते बनाते शिक्षा पाते पाते आखिर ये जानना चाहता है इसका लक्ष्य अंतिम क्या है, अखंड विद्या। अखंड विद्या ऐसा विज्ञान जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानने के लिए शेष न रह जाए, हम उसको बोलते हैं अखंड विद्या। अखंड विज्ञान को प्राप्त करके ही यह जीव मूर्खता की चपेट से छूट सकता है, अमरता का बोध करके ही यह मृत्यु के भय से छूट सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? शाश्वत सुख और परमानंद की संपत्ति करके ही संसार के सभी प्रकार के दुख की अनुभूतियों से जो ये संतप्त रहा है इनका यह संताप जीत सकता है। इसीलिए अंतिम में यह निष्कर्ष निकाल करके रखा गया कि चूंकि ये जो तीनों नैसर्गिक इच्छाएं इस जीव के अंदर जन्म के समय से लेकर जीवन जीने तक और मरते समय तक विद्यमान रहता है, ये जन्मों जन्मों तक ये नैसर्गिक इच्छाएं बनी रहती है। जब तक यह जीव अपने इन तीनों चीजों को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक ये नैसर्गिक इच्छा इनकी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? सूक्ष्म धरातल पर जो तीन चीजों की अभिलाषाएं हैं, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पाने की, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पाने की, सूक्ष्म स्तर पर वो तीन अभिलाषाएं क्यों हैं, उसका तो उत्तर आ गया, क्योंकि ईश्वर का अंश यह जीव है, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, इसलिए उनका सनातन जो अंश जीव है इसके अंदर पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा है। लेकिन मौलिक रूप में जीव मात्र के अंदर जो ये तीन प्रकार की नैसर्गिक इच्छा देखी जा रही है, आनंद अमरता और अखंड विज्ञान पाने की, या दूसरे शब्दों में कहें कि शाश्वत सुख, परम शांति और नित स्वतंत्रता पाने की, ये नैसर्गिक इच्छा क्यों है? इसका उत्तर तत्वदर्शी महापुरुषों ने दिया कि चूंकि जीवन का मौलिक स्वरूप सत चित आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है, चूंकि जीव का मौलिक स्वरूप
सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, इसीलिए इसके अंदर शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता पाने की नैसर्गिक इच्छा है। आनंद अमरता और अखंड ज्ञान प्राप्त करने की इसकी नैसर्गिक इच्छा है। और जब तक शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता या दूसरे शब्दों में आनंद अमरता और अखंड विज्ञान को ये प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इनकी ये नैसर्गिक इच्छा बनी ही रहती है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि जीवन की परिभाषा को प्रथम प्रश्न के अंदर तीन धरातल पर समझ लिया कि जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, दूसरे प्रश्न के अंदर कि हम जीवन में चाहते क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, यदि इसको इन तीन स्तरों पर समझ लिया तो तीसरा प्रश्न ये बनता है कि हम जीवन में जो ये तीन स्तर से तीन तीन चीज चाह रहे हैं, इनको किन उपायों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने वाले महापुरुषों ने जीवन की इन अभिलाषाओं को, इन नैसर्गिक इच्छाओं को पूरा करने का कौन कौन से साधन निश्चित किए हैं, तीसरे प्रश्न के अंदर इसी चीज का विचार किया जा रहा है। संक्षेप में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहली स्थूल धरातल पर जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकताओं की मांग, तीन चीजों की मांग है, दो दिन पहले थोड़ा इस पर विचार किया गया है। स्थूल धरातल पर जीवन जीने के लिए प्रथम मांग किस चीज की है, भोजन वस्त्र और आवास, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान, ये सभी लोग चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि भोजन वस्त्र और आवास के बिना हम इस शरीर को जीवित नहीं रख सकते। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन और आकाश का प्रयोग किए बिना जीवन के भौतिक अस्तित्व को भी बरकरार नहीं रख सकते। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए जीवन जीने के लिए प्रथम मांग में ये तीन चीज है, भोजन वस्त्र और आवास। इसकी आपूर्ति कैसे होगी, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? तो भोजन वस्त्र और आवास, इन तीन चीजों की व्यवस्था, इन चीज चीजों की आपूर्ति इसके लिए जो उपाय बतलाए गए हैं, इसके लिए जो साधन निश्चित किए गए हैं, वे भी तीन रूप में है, इसको ध्यान में रखना। दो दिन पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि भोजन वस्त्र और आवास, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था, इसकी पूर्ति करने के तीन साधन है। पहला है परिश्रम, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है परोपकार की भावना। और ये जो तीन साधन निश्चित किए गए हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा, तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा, जिन्होंने जीवन को सम्यक दृष्टि से अवलोकन किया है, वे कह रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक आवश्यकता की चीज में तीन प्रमुख चीज है, भोजन वस्त्र और आवास, इसकी आपूर्ति, इसकी व्यवस्था के तीन साधन है। पहला है परिश्रम,
दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है परोपकार की भावना। अब इसमें जो सबसे तीसरे नंबर पर साधन है परोपकार की भावना, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी जी रहे हैं जो ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष है, कुछ ऐसे लोग भी जी रहे हैं, देखा जाता है उसके जीवन में कुछ चीजें उनको विरासत के रूप में प्राप्त हो जाती है, सारी व्यवस्था है, और कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो एक एक दाने के लिए मेहनत कर रहा है, एक एक दाने के लिए तरस रहा है। इसीलिए तीन साधन बतला दिए गए कि भोजन वस्त्र और आवास की भी व्यवस्था तीन तरीके से होती है। एक है परोपकार की भावना, और यहाँ परोपकार की भावना के कहने का अर्थ है कि जो प्रभु के प्रेमी भक्त है सर्वभूत हिते रता परोपकार की भावना से जीने वाले अथवा संसार प्रपंच से विरक्त परमार्थ के परमार्थ तत्व के अनुसंधान में लीन जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके जीवन का योग छेद पावन स्वयं परमात्मा करते हैं। जो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो परमार्थ तत्व के अनुसंधान में ही लीन रहते हैं, जो सर्व भूत हिते रता की भावना से ही जीवन जीते हैं, उनको भी जीवन को बनाए रखने के लिए कम से कम पेट में टुकड़ा, तन पर कपड़ा और सर पर खोपड़ा चाहिए, झोपड़ा चाहिए। ये व्यवस्था उनकी कैसे होती है? वे तो समाधि में लीन रहते हैं, तत्व के अनुसंधान में लीन रहते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है और ऐसा देखा गया है कि ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो परोपकार की भावना में ही सतत है, इनके योग क्षेम का वहन, इनके जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकता चीजों की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। यदि इस कैटेगरी में आप नहीं आते, जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, तत्व के अनुसंधान में लीन होकर के संसार से आप विरक्त नहीं है, आप संसार में जीवन जी रहे हैं, अब उनके लिए जीवन जीने की जो आवश्यक आवश्यकता की चीज है भोजन वस्त्र और आवास, वो दो तरीके से प्राप्त होगी। याद रखिएगा, दो तरीका क्या होगा? या तो उनको प्रारब्ध से प्राप्त होगी, और ये प्रारब्ध जो है ना सामान्य भाषा में कहलाता है भाग्य। आप इसको मना नहीं कर सकते। योग दर्शन के अंदर आयु, जाति और भोग, ये तीन प्रारब्ध के द्वारा निश्चित होते हैं, ऐसा सूत्र के द्वारा बतलाया गया है। तीन चीजें प्रारब्ध के द्वारा निश्चित होती है, आयु, जाति और भोग। कितने दिनों तक जीवन जीना है, आपकी कितनी आयु है, और यह जीव जो है मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा कि पशु के शरीर में जन्म लेगा, हम इसको बोलते हैं जाति। तो आयु प्रारब्ध के द्वारा निश्चित होती है, जाति अर्थात किस योनि में जन्म लेना है प्रारब्ध के द्वारा निश्चित होती है, ये आपके हाथ में नहीं है। और भोग, भोग का मतलब होता है सुखद व सुखद परिस्थिति, ये भी आपके पूर्व कर्म के अनुसार से प्रारब्ध द्वारा निश्चित होती है, इसको मना नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि उसका भाग्य उसका अपना ही, उसका भाग्य उसका अपना ही पूर्वार्जित प्रारब्ध कर्म है,
जिसको सामान्य रूप से अविभाग्य बोलते हैं ना, उसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है उसका प्रारब्ध कर्म। हाँ, यह अलग बात है कि कभी कभी प्रारब्ध प्रबल हो जाता है, माने भाग्य प्रबल हो जाता है, और कभी कभी पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। और यदि भाग्य या प्रारब्ध प्रबल नहीं होता, ये क्यों कहा जाता कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो बलवान। यदि आप ही सब कुछ होते, आप ही के हाथ में सब कुछ होता, तो फिर ये क्यों कहा जाता कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। फिर ब्रह्मर्षि महापुरुषों के द्वारा ये नहीं कहा जाता कि सुना हो भरत भावी प्रबल, विलखित हो मुनि नाथ, लाभ हानि जनन मरण जस अपयस विधि के हार। माना पड़ता है भारतीय संस्कृति के अंदर जीवन की यात्रा में भाग्य और प्रारब्ध का भी योगदान है। और यदि भाग्य और प्रारब्ध प्रबल नहीं होता, तो किसी को जन्म लेते ही विरासत में सारी सुख सुविधा मिल जाती है, और कोई अगर किसी को दाने दाने के तरसना पड़ता है। कोई एक ऐसा बच्चा है कि अमीर घराने में जन्म ले लिया, अब उनको रोटी कपड़ा मकान ये सब तो विरासत में मिल रहा है, इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। तो जन्मजात विरासत में मिली व्यवस्था प्रारब्ध के कारण से होती है। तो रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, इसकी व्यवस्था किसी को, यदि उनका प्रारब्ध अच्छा है तो जन्म के साथ ही उनको विरासत में मिल जाती है, माता पिता के द्वारा पूर्वजों से मिल जाती है, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपका प्रारब्ध वैसा नहीं है, तो फिर जीवन जीने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात परिश्रम से रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं कर्म से। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि अब केवल और केवल तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ही तुम्हारा अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म की रेखा सुनिश्चित है अपनी कर्म गति पर, भाग्य की रेखा सुनिश्चित है अपनी कर्म गति पर। कर्मवाद से भाग्य को बदलो और विजय पाओ अपनी कर्म गति पर। पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने जीवन की आवश्यक आवश्यकता की चीजों को आपूर्ति कर सकते हैं, उसको कमा सकते हैं, उपार्जित कर सकते हैं। नहीं तो याद रखना, यदि उस स्तर से आपका जीवन भी नहीं है कि जीवन मुक्त महापुरुष हो, यदि आपको विरासत में भी मिली हुई संपत्ति नहीं है, और यदि निकम्मा बन करके कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, तो चूंकि जीवन जीने के लिए तो भोजन वस्त्र और आवास चाहिए, फिर वो क्या करेगा जानते हैं? वो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, लूटपाट करेगा, घोटाला करेगा, फिर वो ठगी और बेईमानी करेगा। इसीलिए कहा कि भोजन वस्त्र और आवास इसको प्राप्त करने के साधन में पहले नंबर पर रखा गया, परिश्रम को, मेहनत को। सकल पदार्थ यही जगमानी, कर्महीन नर पावन। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धियेत अकर्मणः। जो निकम्मा व्यक्ति होता है, जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है, जो आलसी और निकम्मा व्यक्ति होता है, उनके शरीर की यात्रा भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए जो भोजन वस्त्र और आवास की जरूरत पड़ती है, उसकी भी आपूर्ति नहीं कर पाता जो अकर्मण्य होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि कर्महीनता की वेदी पर गदनसीबी की आग सुलगती है। आप परिश्रम से, मेहनत से,
जीवन जीने की आवश्यकता की चीजों को पूरा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अब जब पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं ना, अब देखिए हमारे शास्त्र में बदलाया गया है, भोजन वस्त्र और आवास को जीवन जीने की आवश्यकता की चीज को छह तरीके से प्राप्त मत करना। धन का उपार्जन करके सारी व्यवस्था करना, और धन का जब उपार्जन करने के लिए आप जाते हैं ना, हमारे सनातन धर्म के अंदर देखिए, हमारे शास्त्र में जीवन जीने की आवश्यकता की चीजों की पूर्ति के लिए जो धन का उपार्जन करने के लिए बताया गया है, इसी धन उपार्जन अर्थात धन के संग्रह को जब हम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उपार्जित करते हैं, तो इसी को शास्त्र में बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ, तो धन को उपार्जित करने के छह साधन बतलाए गए हैं, धन को इकट्ठा करने का, धन को कमाने का छह साधन, छह स्रोत, छह तरीका हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, और उन्हीं छह तरीका से धन का उपार्जन करके अपने जीवन में जीवन जीने की सारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। देखिए, धन को कमाने के वे छह साधन, वे छह उपाय, वे छह स्रोत कौन कौन है। अब यहां पर जो है ना, हम किस धन की बात कर रहे हैं, धन जिस धन के द्वारा आप जीवन की सभी आवश्यक आवश्यकता की चीजों की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि धन जो होते हैं ना, धन जो होते हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है तमोगुणी धन, दूसरा होता है रजोगुणी धन, और तीसरा होता है सतोगुणी धन। तमोगुणी धन के रूप में जड़ पदार्थ, रुपया पैसा, कंकड़ पत्थर, जमीन जायदाद, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन था, ये सभी तमोगुणी धन माने गए हैं। शरीर स्वास्थ्य और सुंदरता, इन तीन को रजोगुणी धन माना गया है, इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। शरीर स्वास्थ्य और सुंदरता, ये तीनों ही रजोगुणी धन है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जो सतोगुणी धन है, कहा कि समय, टाइम इज मनी, समय, संतोष और शांति, ये तीन जो है सतोगुणी धन है, या ज्ञान, गुण और चरित्र। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान, गुण और चरित्र ये भी सतोगुणी धन है। संतोषम सतोधन धीरज धीन स्थान है संतोषम आधारम। यहां अभी जो हम धन उपार्जन करने की बात अर्थ पुरुषार्थ के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी का धन है, जिसको आप रुपया पैसा बोलते हैं, क्योंकि सभी पहले रुपया पैसा ही चाहता है। तो देखिए, अर्थ पुरुषार्थ के अंदर धन को कमाने के जो छह स्रोत बतलाए गए हैं हमारे शास्त्र में, उसको ध्यान में ले लीजिए। छह तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। पहला है विद्या से, दूसरा है वाणिज्य से,
तीसरा स्रोत है कृषि और पशुपालन से, चौथा स्रोत है कुसीद अर्थात ब्याज से, धन कमाने का पांचवा स्रोत बतलाया गया है कि परिचर्या से, सेवा टहल से या नौकरी से। और छठा जो स्रोत बतलाया गया है हमारे शास्त्र में धन को कमाने का, वो है इच्छा से। ये छह स्रोत, ये सोर्सेस धन कमाने के हमारे शास्त्र में बतलाए गए हैं, विद्या से, वाणिज्य से, कृषि पशुपालन से, कुसीद से, परिचर्या से और भिक्षा से। आप सभी लोगों को शायद सुनने को मिला होगा कि पहले लोग बोलते थे कि उत्तम खेती मध्यम बाँट, कुछ कुछ चाकरी ही के निकाल। अब देखिए इसमें धनोपार्जन के, धन को इकट्ठा करने के, धन संग्रह के, इसमें चार स्रोत बता दिए गए हैं। कहा कि उत्तम खेती मध्यम बाण, मतलब खेती कृषि मध्यम बाण, और बाण का मतलब होता है वाणिज्य अर्थात व्यापार, कुछ कुछ चाकरी, और चाकरी का मतलब होता है परिचर्या, परिचर्या में सेवा और सहायता करता है। भीख निदान चौथा स्रोत यहां पर बतलाया गया, भिक्षा दो स्रोत का यहां पर नाम नहीं लिया गया इस दोहा में, इस पंक्ति में जब बोला जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बाण, कुछ कुछ चाकरी, भीख निदान, इसमें चार ही स्रोत बताए गए हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में छह स्रोत बताए गए हैं अर्थ उपार्जन करने की, धन कमाने के। विद्या से धन कमाया जा सकता है, विद्या देकर दक्षिणा लेकर धन का उपार्जन कर सकते हैं। दूसरा स्रोत है वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ है व्यापार करके खरीद बिक्री के द्वारा धन का उपार्जन कर सकते हैं। तीसरा स्रोत बताया कृषि अर्थात खेती बाड़ी करके या पशुपालन करके धन का उपार्जन कर सकते हैं। चौथा स्रोत बताया कुसीद, कुसीद का अर्थ होता है ब्याज, तो ब्याज पर पैसे का लेन देन करके धन का उपार्जन कर सकते हैं। पांचवा स्रोत बताया गया परिचर्या, और परिचर्या का अर्थ होता है सेवा करना, टहल करना या नौकरी करना, तो नौकरी करके, सेवा करके, परिचर्या करके ही धन का उपार्जन कर सकते हैं। और छठा स्रोत बताया गया भिक्षा, और यह भिक्षा का अर्थ है भीख मांग करके, दान अनुदान लेकर के भी आप धन का उपार्जन कर सकते हैं। ये छह स्रोत बताए गए हैं, इन छह स्रोत के द्वारा आप धन को इकट्ठा कीजिए, कोई दोष नहीं है। धनी बनिए, कोई दोष नहीं है। अमीर बनिए, कोई दोष नहीं है। जीवन में जीने की जितनी आवश्यक आवश्यकता की चीज है, रोटी कपड़ा मकान, इन सारी चीजों की आपूर्ति कीजिए, कोई दोष नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एक बात में ध्यान में दे दो, चूंकि जब शास्त्र की बात होती है तो उसमें विधि और निषेध चलता है, तो शास्त्र में ब्राह्मण के लिए वाणिज्य, कृषि और पशु का खरीद बिक्री से एवं ब्याज पर पैसे का लेन देन करके और नीचे स्तर की परिचर्या करके धन का उपार्जन करना निषेध किया गया है। ठीक है, तब ये कैसे धन का उपार्जन कर सकते हैं? कहा कि ये विद्या से और शिक्षा से दान दक्षिणा लेकर धन का उपार्जन कर सकते हैं, जो ब्राह्मण विद्वान है। वैश्य व्यापार, कृषि पशुपालन और ब्याज से धन उपार्जन कर सकते हैं,
विद्या लेकर और दान लेकर अर्थ उपार्जन करना इसके लिए मना किया गया है। और जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं वे केवल विद्या देकर धन का उपार्जन नहीं कर सकते, शास्त्र में निषिद्ध है चतुर्थ वर्ग के लिए, बाकी सभी तरीके से केवल विद्या देकर के वे चतुर्थ वर्ग धन का उपार्जन नहीं कर सकते, बाकी सभी तरीके से माने वाणिज्य से व्यापार करके, कृषि से खेती बाड़ी करके, पशुपालन से पशु का भी खरीद बिक्री करके, पाल पोष करके, ब्याज से और भिक्षा से धन उपार्जन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चतुर्थ वर्ग को धन कमाने के जितने स्रोत शास्त्र के द्वारा दिए गए हैं उतने स्रोत और किसी को नहीं दिए, फिर भी लोग कहते हैं कि सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था में शुद्ध लोगों को चतुर्थ वर्ग को दबाया गया है, दबाया नहीं गया। हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा थी ना उसमें सन की आजीविका तो जल से ही सुरक्षित थी, विदेशी लोगों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया तो कल विकृति के कारण से ये चीजें झूठी फैलाई गई है। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि चतुर्थ वर्ग के लिए धन का उपार्जन करने के जितने अधिक स्रोत खुले रूप से इनको छूट दिया गया है उतना ब्राह्मण को नहीं है, उतना क्षत्रिय को भी नहीं, ठीक है। अब वो तो शास्त्र की बात हो गई। यदि समान तौर पर जो भी अभी की जो दौर चल रही है उस स्तर पर यदि बात करें तो इनको चार श्रेणी हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जो प्रथम श्रेणी है या कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण विद्वान लोग हैं वे विद्या शिक्षा ज्ञान देकर दक्षिणा आदि लेकर धन का उपार्जन कर सकते हैं। जो क्षत्रिय राजस्व विभाग के लोग हैं वे शासन और सुरक्षा देकर टैक्स तथा ब्याज लेकर धन का उपार्जन कर सकते हैं। इसलिए आज सरकार ने टैक्स लगा करके रखा है और उस टैक्स के बदले आपको राशन दे रहा है, पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, हवा यातायात की सुविधा दे रहा है उसी टैक्स से उसी ब्याज से। तो जो राजस्व विभाग के लोग हैं राजकर्मी लोग हैं उनका तो अधिकार बनता है टैक्स लेना और ब्याज लेना, उसी के द्वारा वो शासन और सुरक्षा आपको दे सकते हैं। अब जो वैश्य व्यापारी जो किसान लोग हैं वे व्यापार से कृषि से और पशुपालन करके धन का उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन जो राज कर्मचारी हैं मजदूर लोग हैं वे नौकरी सेवा कहल और परिचर्या करके धन का उपार्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी वर्गों के लिए हमारे शास्त्र में धन को कमाने का धन को इकट्ठा करने का अर्थ पुरुषार्थ करने का ये छह स्रोत बताए गए हैं। हमारे शास्त्र में कभी ये नहीं बताया गया है कि आप दरिद्र होकर के जीवन जिए, धन का उपार्जन करें केवल सही तरीके से करें और यदि धन का उपार्जन करके अर्थ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को देखा हुआ नहीं होता ये भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाती। अब जानते हैं किन किन तरीके से धन को इकट्ठा करना अपराध माना गया है, पाप माना गया है, सरकार की नजर में अपराध जिसके लिए सजा अवश्य हो जाएगी और शास्त्र की नजर में वो अधर्म है और वो पाप कर्म है। कहा यदि छह तरीके से आप धन को इकट्ठा करते हैं तो वो कानून दृष्टि से अपराध है और शास्त्र की दृष्टि से पाप है। छह तरीका कौन कौन है
कहा कि यदि कोई धन को चोरी करके इकट्ठा करता है अपराध होगा, यदि कोई धन को डकैती करके टाका डाल करके इकट्ठा करता है अपराध और पाप है, यदि कोई धन को घोटाला करके जमा करता है, देख रहे हैं देश में कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये अपराध है कानून दृष्टिकोण से और शास्त्र की नजर में पाप है। चौथा, यदि कोई लूटपाट करके छीना झपटी करके धन को इकट्ठा करता है, याद है ना सिकंदर पूरे विश्व को लूट उपात करते हुए भारत को लूटने के लिए आया और दंडायन ऋषि ने ऐसा घुमाया और दंडायन ऋषि के पास उनको जो जीवन का अंतिम क्षण का ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने अंतिम समय में अपने हाथी पर लिखवाया इकट्ठे कर जहाँ की जड़ सभी दुनिया की मालिक है। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, तो लूट पाट करके धन को इकट्ठा करना भी अपराध है और पाप है। और पांचवा, बेईमान करके, यदि आप सोचते हैं कि अपने भाई के हिस्से का बेईमानी करके हम अमीर होंगे तो उसकी हाय लग जाएगी आपको, अरे कौन को इतनी हाय लगी थी ना पांचों पांडव का, पांचों पांडव ने कहा कि केवल पांच गांव दे दो लेकिन कौरव के पद से जो दुर्योधन और दुशासन था धृतराष्ट्र का बेटा, उसने कहा कि पांच गांव को दूर की बात, हम पांच सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण गए थे समझौता करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की बात को भी नहीं माना तो इसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। और उस महाभारत के युद्ध में जो पांचों पांडव केवल पांच गांव मांग रहे थे दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण से उनको जंगल जंगल भटकना पड़ा, लेकिन युद्ध की तैयारी करके जब पांडव लड़ा तो भगवान के मार्गदर्शन में पांडव की विजय हुई, हस्तिनापुर का साम्राज्य पांडव को प्राप्त हुआ। और कौरव जो सौ भाई थे सभी मारे चले गए, हाय लग जाती है यदि आप हिस्सा को मारते हैं, हाय लग जाती है। इसीलिए कहा कि दुर्बल को न सताएगी जाति मोटी है, मुई खा के श्वास से सारा भस्म हो जाए, समझ रहे इस चीज को। इसीलिए कहा कि जो बेईमानी से धन को इकट्ठा करता है उसका धन अधिक दिनों तक नहीं चलता। और अंतिम में कहा जो छठा है, छठे तरह छठा जो तरीका है वो है ठगी, ठग लिया आपने दूसरे को मूर्ख बना दिया और धन को आपने उससे ले लिया, तो ठग करने में जो धन इकट्ठा होता है ना ये भी पाप है और ये भी अपराध है। तो कहा कि इन छह विधियों से धन का उपार्जन करना निषिद्ध है शास्त्र की दृष्टि में भी और कानून दृष्टि में भी ये अपराध माना गया है, क्योंकि इन छह तरीकों से जो भी धन का उपार्जन करता है वह धन अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता, वह नहीं टिकता है। आप अनुभव करके समाज में देखे हो या तो बूढ़े पुराने लोगों से जो बिल्कुल बहुत ईमानदार होगा ना उनसे पूछ लीजिएगा, जो बेईमान होगा वो नहीं बात बताएगा। कभी कभी भी दिखती है बेईमान आदमी भी बहुत दिन तक जीता है, गिद्ध की उम्र बहुत अधिक होती है तो गिद्ध की तरह यदि बहुत दिन तक आयु जीने वाला लेकिन यदि अभी और बेईमानी से ही धन को इकट्ठा किया है तो आपके जीवन को वो सही अनुभव नहीं देगा। जो ईमानदार होगा आप पूछना, कई लोगों में बनते हुए महल को ढहते हुए देखा है, क्यों जो गलत तरीके से धन इकट्ठा किया जाता है ना वह अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता, और ऐसे उपार्जित धन से अब देखिए धन इकट्ठा क्या करता है व्यक्ति कि हम सुख से रहें,
या ऐसे गलत तरीके से धन इकट्ठा करके व्यक्ति सुखी हो पाता है? क्या नहीं? ऐसे उपार्जित धन से व्यक्ति ऐसो आराम की चीज को तो जुटा सकता है, किंतु वैसे धन से जीवन को सुखी और शांत नहीं कर सकता। गलत तरीके से धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के जीवन में जब तक वह जीवित रहता है, देखिए उनकी स्थिति क्या है, जब तक वह जीवित रहता है तब तक आजीवन अपराध के कारण उसके भीतर पुलिस और सरकार के द्वारा पकड़े जाने का भय बना रहता है, उसको शांति नहीं मिलती और मरने के बाद इस पाप के कारण परलोक में उसके लिए नरक तैयार रहता है। जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करता है, माने चोरी से, डकैती से, घोटाला से, लूटपाट से, बेईमानी से और ठगी से, तो जब तक वह जीवन जीता है तो आजीवन पुलिस और सरकार के भय से वो भयभीत रहता है कि कभी भी पकड़े जाएंगे, उनको जीवन में शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। और जब वो मरता है ना, तो कहा कि परलोक में उनके लिए नरक तैयार है, उसे कोई नहीं बच सकता। तो इसीलिए याद रखिए कि उसका न ही लोक सुखी होता है और न परलोक सुखी होता है। लेकिन जो धर्म पूर्वक जो इच्छा यहाँ स्रोत बताए गए शास्त्र के द्वारा, वैसे यदि आप धन का उपार्जन करते हैं तो आपका लोक भी सुखी होता है और दान पुण्य करते हैं तो परलोक भी सुखी होता है। अब यहाँ पर एक और बात है ध्यान में रख लेनी चाहिए, धन का उपार्जन करना बड़ी बात नहीं है, और सारी बातें जो होगी ना हम कभी कभी सत्संग सत्र में बताएंगे, कम से कम एक चीज को ठीक ढंग से समझना, क्योंकि ये सबसे मोटी बात है। सब कोई अपने जीवन में सुख सुविधा चाहता है और सुख सुविधा के लिए वो पैसा को इकट्ठा करता है, धन को कमाता है। यदि धन कमाने का तरीका आपका सही नहीं है ना, सारे ऐसे आराम की चीजों को इकट्ठा करके जुटा करके भी आप सुखी और शांति से जीवन नहीं जी सकेंगे, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए कहा कि धन का उपार्जन करना बड़ी बात नहीं है, यदि सही तरीके से आप धन का उपार्जन कर लेते हैं ना, अब उस धन का उपार्जन के बाद धन का विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है खर्च करने का सही तरीका, ये बड़ी बात। यदि धन थोड़ा सा ही व्यक्ति ने कमाया और यदि उसका विनिमय करने का तरीका उनका ठीक है, उसका मैनेजमेंट विनिमय उनको खर्च करने का सही तरीका है, तो थोड़े से ही धन में हर एक चीज को कर लेगा। और यदि धन अधिक भी आप कमाते हैं उसका विनिमय करने का सही तरीका आपका नहीं है, तो एक चीज आप करेंगे तो दूसरा चीज छूट जाएगा, एक चीज करेंगे तो दूसरा चीज छूट जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में धन का विनिमय कैसे करें तो खर्च करने का भी तरीका बताया है। क्या तरीका बताया गया? तो कहा कि धन को चार भाग में बांट करके खर्च कीजिए, चार भाग में बांट करके खर्च कीजिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी काल। परमपूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही रोचक कहानी के द्वारा इस चीज को समझाया है। परमपूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक किसान था और बड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुबह ही वो निकल जाता अपने खेतों में दिन भर काम करता और उसके बाद शाम को लौटता। ये उस समय की घटना है जिस समय इस भारतवर्ष में राजतंत्र था, राजा लोग राज करते थे, प्रजातंत्र नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। उस राज्य के राजा एक बार अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए जब घोड़े पर सवार होकर के निकले तो राजा देखते हैं कि एक किसान जेठ की दोपहरी में
अपने खेत में काम कर रहा है, सारा लोग को आराम कर रहा है, लेकिन एक किसान जेठ की दोपहर में भी खेत में काम कर रहा है। राजा ने घोड़ा को रोक दिया और किसान को बुलाया। किसान आया स्वाभिमान से भरा हुआ, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वो स्वाभिमानी होता है, अहंकारी नहीं होता है, उनको अपना आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान का नाम स्वाभिमान है, अहंकारी नहीं होता। किसान आया और उस किसान से राजा ने पूछा कि तुम जो इतनी कड़ी मेहनत करता है कितना पाता है, मतलब कितना कमा लेते हो, और जानते हैं उस समय उस किसान ने क्या जवाब दिया? उस किसान ने राजा से कहा कि हे राजा, मैं इतना कमा लेता हूं कि जिसके द्वारा वर्तमान का, भूतकाल, भविष्यकाल और पानी में डाल, ये चार काम पूरा हो जाता है। अब ऐसे रहस्यमय ढंग से किसान ने राजा को बताया तो राजा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो ये बड़ी रहस्यमय बातें हैं, थोड़ा खोल करके बताओ। तुम कह रहे हो कि मैं इतना इस काम से कमा लेता हूं, अपनी मेहनत से इतना मैं धन का उपार्जन कर लेता हूं जिसके द्वारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में डाल, ये चार काम पूरा हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? किसान ने बताया राजा, और जब राजा ने समझा कि ये अपने धन का जो उपार्जन करता है उसका विनिमय चार तरीके से करता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में काल, ये चारों काम इसका पूरा हो जाता है। इस रहस्य को जान करके राजा ने कहा कि हमारे जितने राजदरबारी विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, वे इस रहस्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसकी परीक्षा पहले कर ले। तो किसान को हिदायत दी कि देखो मैं तो यहां से जा रहा हूं, मैंने जो तुम्हारे से ये पूछा है और तुमने मेरे को जो उत्तर दिया है, जब तक मेरा 1000 बार दर्शन नहीं कर लेना तब तक इस राज को, इस रहस्य को, इस उत्तर को किसी से तुम मत बताना, ये मेरा आदेश है। राजा ये आदेश देकर, हिदायत देकर, चेतावनी देकर के अपने राजमहल घोड़े पर से सवार होकर के लौट चले और किसान अपनी मेहनत में लग गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह राजा ने सारे राज विद्वानों को, राजदरबारी अर्थशास्त्रियों को बिठा करके उन्होंने कहा कि बताओ कोई व्यक्ति इतना कमा लेता है जिसके द्वारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में काल, ये चार काम हो जाता है, बताओ इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? जानते हैं जितने अर्थशास्त्री राजा के दरबार में थे सभी का दिमाग चकरा रहा है, वे सारे किताबों को पलट करके देख रहे हैं, अर्थशास्त्र को पलट करके देख रहे हैं कहीं ये बातें लिखी हुई हो, लेकिन ये बातें किसान ने किसी किताब से पढ़ करके नहीं बताई थी, वे तो अपने अनुभव से पैदा हुए थे, उन्होंने जो जीवन भर मेहनत किया था उस अनुभव से ये अर्थशास्त्र पैदा हुआ था। राजा के दरबार के अर्थशास्त्री तो किताबों में ढूंढ रहे थे, नहीं मिला उसका उत्तर। एक दिन बीत गए, दो दिन बीत गए, राजा तो रजोगुणी होते हैं, रजोगुण के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, शासन के लिए क्रोध चाहिए क्योंकि शासन गर्म होता है। राजा रजोगुणी होते हैं, तीसरे दिन क्रोध में आकर के कहते हैं कि तुम लोगों को इतने दिन तक अपने राज्य में राजदरबारी बना करके अर्थशास्त्री का वेतन दिया और अर्थशास्त्र के रहस्य को तुम नहीं बता सक रहे हो, यदि एक सप्ताह के अंदर इसका उत्तर नहीं मिला
इस राज से ही केवल इस दरबार से ही तुमको निष्कासित नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे लिए जो उचित दंड है ये भी तुम्हें मिलेगा। सारे अर्थशास्त्री घबरा गए जो राज दरबार में थे। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि आज से कुछ दिन पहले राजा इस राज से कहीं बाहर भी गए थे या कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे। धीरे धीरे पता लगाते लगाते पता चल जाता है कि हाँ, आज से 4 दिन पहले राजा साहब घोड़े पर सवार होकर राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए बाहर गए थे। सारे राज दरबारी किताबों को पलटने से ये काम छोड़ करके अब इस रहस्य का पता करने के लिए राज दरबार से बाहर जाते हैं। घूमते घूमते उस किसान के पास जाता है और उस किसान से पूछता है, ये राज दरबारी अर्थशास्त्री, क्या राजा साहब आपसे मिले थे? ईमानदार मेहनती था, किसान ने सच बता दिया कि हाँ, 4 दिन पहले राजा साहब आए थे। राज दरबारी ने कहा कि क्या राजा साहब ने कुछ पूछा भी था? आप दोनों के बीच संवाद भी हुआ था? किसान ने सच सच कह दिया कि हाँ, संवाद हुआ था। तब राज दरबारी ने कहा कि क्या यही से ये प्रश्न उठा है कि कोई व्यक्ति इतना कमा लेता है जिसके द्वारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में डाल ये 4 काम पूरा हो जाता है? किसान ने कहा कि अरे, ये बात तो मैंने ही राजा को बताई है। जब किसान ने राज दरबारी अर्थशास्त्री से कहा गया, तब उनके ध्यान में आया कि राजा ने तो चेतावनी दिया था कि किसी से कहना नहीं। अब उस राज दरबारी अर्थशास्त्री ने किसान से आग्रह किया कि आप इनके रहस्य को बताएं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना कमा लेता हूं कि जिसके द्वारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में डाल ये 4 काम पूरा हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? किसान ने कहा कि मैंने ही ये बातें राजा को बतलाई है, ये भी सच है, लेकिन राजा ने मुझे चेतावनी दी है कि जब तक मैं उनका 1000 बार दर्शन नहीं कर लेता हूं तो उसके पहले इसका उत्तर किसी को ना बताऊं। जब राज दरबारी अर्थशास्त्री को यह पता हो गया कि ये उत्तर केवल यही किसान जानता है, अब उनका पैर पकड़ने लगा, गिर गिराने लगा और अपने परिवार की दुहाई देने लगा कि यदि आप इस उत्तर को नहीं बताएंगे तो मुझे, मुझ सारे लोगों को, हम जितने भी दरबारी विद्वान अर्थशास्त्री हैं, राजा हमें निष्कासित कर देंगे, फिर हमारे बाल बच्चा तो भूखे मर जाएंगे। आप हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा करके हमें उत्तर बता दीजिए। किसान उस बंदर से पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने राजा से वादा किया है, उसको भी तोड़ नहीं सकता और आप लोग जिस प्रकार से बेघर होने की बात मेरे से कह रहे हैं, आपका दुख भी मेरे से नहीं सहा जाता, इसीलिए आप अभी जाएं, मैं कुछ सोच करके रास्ता निकाल करके आपको बताता हूं। किसान जाता है अपना घर, रात भर सोचता है और सोचते सोचते परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिसका बताओ एकांत मिला अंतरंग का दर्पण है। जब कोई ऐसी गुत्थियां है, कोई ऐसी समस्या है जो आप नहीं सुलझा पा रहे हैं तो चले जाइए अकेले और एकांत में। 24 घंटे के अंदर जब निष्पक्ष और एकांत मेला होता है, आप उसी समस्या पर विचार कीजिए, आप उसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कीजिए, अवश्य कोई न कोई एक सही रास्ता आपको मिल जाएगा, किसान को मिल जाएगा। दूसरे दिन होकर के जब राज दरबारी किसान के पास वे अर्थशास्त्री पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने कोई रास्ता निकाला, तो किसान ने कहा कि हाँ, मैंने रास्ता निकाल लिया है। चूंकि राजा से मैंने वादा किया है कि 1000 बार दर्शन करने के बाद ही ये रहस्य मैं किसी को बताऊं, तो आप लोगों ने राज दरबार में अर्थशास्त्री होकर बहुत सारी सेवाएं दी है, बहुत सारा आपने वेतन पाया है,
और जिस समय राजतंत्र का शासन चलता था ना, तो उस समय जो मुद्राएं होती थी, जो सिक्काएं चलती थी, उस पर राजा के चित्र छपे होते थे। तो किसान ने कहा कि आप लोगों के पास इस राज्य की बहुत सारी मोहरें होंगी, बहुत सारे सिक्के होंगे जिस पर राजा के चित्र छपे होंगे। सारे राजदरबार अर्थशास्त्री ने कहा कि हाँ हमारे पास तो है। कहा कि आप लोग उनको इकट्ठा कीजिए, 1000 की संख्या में उन मोहरों को मेरे पास लाइए और आप घबराइए नहीं, मैं उसे अपने पास रखूंगा नहीं, मैं लौटा दूंगा। दौड़ करके जाता है अर्थशास्त्री अपने अपने घर से, राजा के जो चित्र छपे हुए मोहरे थी उसको लाकर के किसान के सामने देता है। किसान ने कहा कि आप लोग चले जाइए, सुबह होकर के आइए। अब किसान रात भर जग करके मोहर पर छपे हुए, सिक्के पर छपे हुए जो राजा के चित्र थे उनको बारी बारी से ईमानदारी पूर्वक दर्शन करता है, देखते जाता है, रखते जाता है, देखते जाता है, रखते जाता है। 1000 सिक्के पर राजा के जो चित्र छपे थे उनका वो दर्शन कर लिया और फिर पोटली बांध करके सारे सिक्के और सारे मोहर को रख लिया। दूसरे दिन जब, तीसरे दिन जब राजदरबारी अर्थशास्त्री किसान के घर पहुंचते हैं, अब किसान ने अपना रहस्य जो राजा को बतलाए थे इस राजदरबारी अर्थशास्त्री के सामने खोलते हैं। किसान ने कहा, ये जो मैंने राजा साहब से कहा है कि मैं इतना कमा लेता हूं कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पानी में डाल, ये चार काम पूरा हो जाता है। इसका रहस्य ये है कि दिन भर के मेहनत से जितना हम धन को उपार्जित करते हैं उनको चार भाग में बांट करके खर्च करते हैं। पहला भाग है वर्तमान काल, दूसरा भाग है भूतकाल, तीसरा भाग है भविष्य काल और चौथा जो भाग है, चौथा जो विभाग है वो है पानी में डाल। इसका रहस्य ये है, वर्तमान काल का अर्थ है कि हम जितना धन कमाते हैं, जितना धन इकट्ठा करते हैं, उसका पहला भाग, पहला हिस्सा वर्तमान काल पर खर्च करते हैं। वर्तमान काल का अर्थ है कि वर्तमान में जो पत्नी बच्चा है उनका पालन पोषण खान पान की व्यवस्था करते हैं, ये है वर्तमान। और उस धन का जो दूसरा हिस्सा है उसको भूतकाल के लिए हम सुरक्षित रखते हैं, भूतकाल में लगाते हैं। और यहाँ भूतकाल का अर्थ है, हे अर्थशास्त्री महोदय, भूतकाल का मतलब होता है जो पीछे है और पीछे का मतलब है जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता है उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी देखरेख में हम लगाते हैं। भूतकाल का मतलब ये है कि धन का दूसरा हिस्सा हम भूतकाल में खर्च करते हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वज माता पिता है उनकी सेवा शुश्रूषा में, उनकी देखरेख में खर्च करते हैं। और जो हम धन कमाते हैं उसका तीसरा हिस्सा हम भविष्य काल के लिए सुरक्षित रखते हैं। और भविष्य काल का मतलब है कि भविष्य में यदि कोई बीमारी होगी, यदि शादी विवाह करना है, श्राद्ध करना है, तो अपने धन के तीसरे भाग को हम उसके लिए भविष्य निधि में सुरक्षित रखते हैं कि बाद में पछताना ना पड़े, चिंता ना करना पड़े, दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना। और जानते हैं अर्थशास्त्री महोदय, हम अपने कमाए हुए धन का चौथा हिस्सा पानी में डाल देते हैं। तो अर्थशास्त्री लोग चकित हो गए कि पानी में डालने का मतलब क्या है। तो किसान ने कहा कि पानी में डालने का मतलब है कि उस पर हम अपना हक नहीं जताते हैं।
पानी में डाल का अर्थ है नेकी कर दरिया में डाल। जितने भी परोपकार जितने भी धर्मार्थ कर्म होते हैं हम उसमें लगा देते हैं और कैसे लगाते हैं ये भावना नहीं रखते हैं वो हमको लौटा करके देगा या हमारा नेम प्लेट पर नाम लिखेगा ये हम बदले की भावना से नहीं करते। धर्मार्थ कार्य में खर्च कर देते हैं परोपकार में खर्च कर देते हैं लेकिन लौटाने की भावना उसको नहीं रखते नाम कमाने की भावना नहीं रखते। इसी को बोलते हैं पानी में डाल। इस प्रकार से अपने कमाए हुए धन को हम चार भाग में बांट करके खर्च करते हैं यही है विनिमय करने का सही तरीका। जब इस रहस्य को अर्थशास्त्र ने जान लिया तो 7 दिन पूरा होने के पहले 6ठे दिन ही राज दरबार में उपस्थित होकर राजा के सामने जो के त्यों वैसे ही रख दिया। इस उत्तर को जैसे किसान ने राजा को बतलाया था जैसे किसान ने अर्थशास्त्री को बतलाया था। अब राजा साहब का दिमाग कहा ये बोलने की शैली और ये उत्तर देने का तरीका ये तो किसान का था। इसका मतलब है किसान को मैंने हिदायत दी थी उन्होंने इसका उल्लंघन किया। मैंने कहा था कि 1000 बार मेरा दर्शन करने के पहले इस उत्तर को किसी से न बताना तो तुम लोगों को किसे बता दिया उसने। अब राज दरबारी अर्थशास्त्री को छोड़कर फरमान जारी कर दिया उस किसान के लिए जाओ उस किसान को पकड़ करके मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों किया। राज कर्मचारी गया किसान खेत में काम कर रहा था उसको पकड़ करके राजा दरबार में आया और राजा ने डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था इतना मेहनती और इतना ईमानदार हो लेकिन मेरे आदेश का उल्लंघन है। मैंने कहा था कि 1000 बार मेरा दर्शन करने के बाद ही इस राज को खोलना तो तुमने पहले ही मेरे राज दरबारी अर्थशास्त्री को कैसे उत्तर बता दिया। किसान ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना किया कि राजा पहले आप शांत हो जाएं मैंने आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। आपका शर्त था कि 1000 बार दर्शन कर लेने के बाद ही इस उत्तर को बताना तो मैंने आपका 1000 बार दर्शन भली भांति कर लिया और ये आपके राज दरबारी आपने तो इनके लिए फरमान जारी कर दिया था कि 7 दिन के अंदर यदि उत्तर ढूंढ करके नहीं लाया तो राज दरबार से निकाल देंगे। इन लोगों ने कहा कि हमारा परिवार तो चौराहे पर पहुंच गया यदि राज दरबार से निकाला गया तो इन पर दया आ गई तो आपके आदेश का उल्लंघन भी मैंने नहीं किया और ये बेघर हो जाए इसीलिए मैंने उत्तर बता दिया। कहा कि मेरा 1000 बार दर्शन तुमने कैसे किया तो उन्होंने सारी घटना का बताया कि आपके चित्र आपके सिक्के पर छपे हुए हैं इन लोगों से मैंने राज की मोहरे पर छपे हुए आपके चित्र को एक एक करके मैंने रात भर 1000 बार दर्शन किया है देखा है इसके बाद ही मैंने इसको उत्तर बताया है। राजा प्रसन्न हो गए किसान की बुद्धिमत्ता पर एक तो इतनी मेहनत से धन का उपार्जन करता है और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा लेकिन ऐसा अर्थशास्त्र का रहस्य ऐसा ज्ञान कि चार भागों में बांट करके उनका विनिमय करता है धन को खर्च करता है लेकिन इनके अंदर दया भी देखो सत्य निष्ठा भी देखो मेरे आदेश का उल्लंघन भी नहीं किया और इन सारे लोगों को राज दरबार से बाहर होने की स्थिति से भी बचा लिया। किसान की बुद्धिमत्ता को देख करके राजा ने अपने राज दरबार का उस किसान को महामंत्री घोषित कर दिया। प्रेमियों कहानी बस इतनी ही है लेकिन इसने अर्थशास्त्र का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए धन कमाना बड़ी बात नहीं है धन का विनिमय सही ढंग से करना बड़ी बात है और यदि धन का विनिमय आपने इसी चार तरीके से कर लिया तो ये शिकायत आपके जीवन में नहीं होगी कि हम बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि अरे बुढ़ा बुढ़ी हम तुम्हें को खिला रहे हैं
फिर आपके जीवन में शिकायत नहीं होगी कि इतना हम कमाते हैं तो फिर भी आगे खर्च करने के लिए दूसरे के सामने हाथ पसारते हैं। फिर ये शिकायत आपके जीवन में नहीं रह जाएगी कि कमाता तो बहुत है लेकिन स्वयं केवल भोग करता है और अपनी सुख सुविधा की पूर्ति करता है लेकिन घर का काम भी नहीं करता। ये शिकायत नहीं होगी यदि धन को चार हिस्सों में बांट करके आप उसको खर्च करते हैं। अन्यथा धन का सही विनिमय नहीं करने पर आदि मस्तानी पीछे पछताने लगी रहेगी। कई बार होता है हमारे मंच से कई लोगों का ऐसा जीवन जुड़ा हुआ है, धन का सही विनिमय करने की वो नहीं जान रहा है, धन बहुत कमा रहा है लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं है, फिर भी देख रहे हैं कि माता पिता का शिकायत है, समाज संसार का शिकायत है, जबकि वो रुपया आम मजदूर से कहीं अधिक कमाता है। सही विनिमय धन को सही ढंग से खर्च करने का तरीका न मालूम होने के कारण से जब जिस दिन तनख्वाह उठ जाता है, जिस दिन अधिक पैसा आ जाता है, उसी दिन वो बेहिसाब तरीके से खर्च करता है और अंत में जिस दिन उसकी कमाई नहीं हो पाती है उसी दिन वह पछताने लगता है। इसीलिए कहा कि यदि धन का सही विनिमय नहीं करेंगे ना तो आगे पछताने मौज मस्ती आगे करेंगे और पीछे पछताने, पीछे फिर पछताने लगेंगे क्योंकि हाथ पसारना पड़ेगा दूसरे के सामने। धन कमाते हुए भी आपका जीवन अस्त व्यस्त और स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं कि धन आया तो बेहिसाब खर्च करके खूब मौज मस्ती कर ली और जब धन खर्च हो गया तो फिर सिर धुंधने लगे, ऐसी स्थिति न हो। इसीलिए कहा कि अग्र सोची सदा सुखी। धन को लेकर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाएंगे और उत्पन्न बन जाएंगे, क्योंकि धन की तीन गति होती है, एक है दान उत्तम गति, दूसरी है भोग मध्यम गति और तीसरी गति है नाश। या तो ठीक ढंग से उपभोग कीजिए, केवल उपभोग ही नहीं कीजिए, तन सेवा साधन और जन सेवा सिद्धि दान पुण्य में भी लगाइए, और यदि ये दोनों काम नहीं करते हैं तो आपके उस धन की तीसरी गति हो जाएगी और तीसरी गति है नाश। अतः धन का न तो अपव्यय करें और न तो कंजूसी करें बल्कि धन का सही विनिमय करके जीवन को सुखी संपन्न करें, इसको हम बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। तो जीवन में जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकता की जो चीज है इस प्रकार से हम धन का उपार्जन करके और धन का सही ढंग से विनिमय करके हम सुखी संपन्न रह सकते हैं। बातें मैं यहीं पर विराम दूंगा। जो दो चीजें बच गई केवल सूत्र के रूप में आपके ध्यान में दे देता हूँ, इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। सूक्ष्म स्तर पर हम जीवन में क्या चाहते हैं याद रहा नहीं ना, ये तो भौतिक स्तर पर भोजन वस्त्र और आवास जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकता की चीज है, लेकिन जीव के अंदर तीन चीजों की अभिलाषा सूक्ष्म स्तर पर हृदय में विराजमान है, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पाने, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पाने, ये जो सूक्ष्म स्तर पर तीन अभिलाषाएं हैं जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें आपको कैसे प्राप्त होगी, इसको प्राप्त करने के कौन कौन से साधन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों के द्वारा, मैंने उसको नोट कर लिया है केवल आपके ध्यान में दे देता हूँ, इसकी व्याख्या मैं करूंगा फिक्र बाद। सबके जीवन की जो सूक्ष्म धरातल पर तीन अभिलाषा है शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पाने की अथवा कहें पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पाने की, इसको प्राप्त करने के तीन साधन निश्चित किए गए हैं। पहला है संयम नियम का पालन, और संयम नियम के पालन करने में तीन चीजें मुख्य रूप से आप ध्यान रखना। संयम का अर्थ होता है संतुलन नियंत्रण मर्यादा,
हमेशा यदि आप लड़ते भिड़ते रहेंगे ना, जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए संयम में सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग किया जाता है, लेकिन उसमें यदि जीवन की प्रगति चाहते हैं तो तीन चीजों का अवश्य ही संयम कर लेना। जीवन की प्रगति के लिए वो तीन चीज क्या क्या है? काम, क्रोध और लोभ। जिन्होंने इस तीन चीज का संयम कर लिया ना, काम का, क्रोध का और लोभ का, काम पर नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए और लोभ पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आप ही अकेले इस संसार में नहीं है। सभी कोई धन को कमाने में, जीवन की आवश्यक आवश्यकता की चीजों को पूर्ति करने में लगा हुआ है, आप अकेले नहीं है। इसीलिए इस दौर में यदि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं और जीवन की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको संयम नियम मर्यादा से चलना होगा, नहीं तो लड़ भीड़ करके आप ऐसे ही मर तक जाएंगे, जीवन के गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए संयम और नियम का पालन करना आवश्यक है। उसमें तीन चीजें प्रमुख है, काम का नियंत्रण करना, क्रोध पर नियंत्रण करना और लोभ पर नियंत्रण करना। अब देखिए दूसरा जो साधन है वो है संस्कार युक्त शिक्षण और प्रशिक्षण। कोई भी व्यक्ति जीवन में बिना शिक्षण प्रशिक्षण का, बिना ट्रेनिंग का, बिना शिक्षा लिए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जीवन में यदि शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए तो संयम और नियम के पालन से तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी। यदि काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखते हैं तो अवश्य आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और जीवन प्रगति में रहेगा। और यदि आप संस्कारयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, सही शिक्षक और संस्थान, श्रेष्ठ गुरु और गुरुकुल, यदि इसमें आपने सही ढंग से शिक्षण और प्रशिक्षण ले लिया है तो आपके जीवन में कुछ से कुछ शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि जीवन में अभिलाषा है ना कि हम समझदार बने, विवेकवान बने, विचारवान बने। कैसे होगा ये? ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग के नाम, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत संन्यासी सुसज्जन के नाम। तो सही शिक्षक और संस्थान, श्रेष्ठ गुरु और गुरुकुल, इसमें यदि आप शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तभी आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। और जानते हैं जैसे जैसे उच्च शिक्षा हासिल होती है उनको ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। जब संयम नियम के द्वारा आप सुरक्षा को प्राप्त कर लेते हैं तो यही सुरक्षा की स्थिति में ही तो प्रभुत्व मालकियत कायम रहती है। परंतु गुरुदेव ने क्या कहा? संतुष्ट रहकर, प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर स्वामित्व संभव है। जो काम पर नियंत्रण नहीं रखता, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, लोभ पर नियंत्रण नहीं रखता, माने संतुष्ट नहीं है, उनके अंदर प्रकाश नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर प्रभुत्व कहां से होगा, मालिकियत कहां से होगी, स्वामित्व कहां से होगा? सबका एक दूसरे से संबंध है। अब जो तीसरा साधन बताया जा रहा है पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को पाने के लिए, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पाने के लिए, तो संयम नियम के द्वारा तो सुरक्षा हो गई और इसी सुरक्षा से स्वामित्व प्रभुत्व आ गया। यदि आप सही शिक्षक संस्थान, श्रेष्ठ गुरु और गुरुकुल में संस्कार युक्त शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उच्च शिक्षा आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे ही उच्च शिक्षा प्राप्त होगी तो ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जो तीसरा साधन यहाँ पर बताया जा रहा है, भक्ति योग उपासना। भक्ति योग उपासना ये तीसरा साधन है। यदि आप अपने जीवन में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भक्ति योग उपासना का सीधा अर्थ होता है जीवन में जीवन के ऊंचे मूल्यों, ऊंचे आदर्शों और उज्ज्वल चरित्र की स्थापना होना आवश्यक है।
क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सनातन वैदिक आस परंपरा में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। हम श्री राम कृष्ण और बुद्ध की पूजा आज भी कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन मूल्य आदर्श और चरित्र महान थे, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पागल दौड़ में केवल अपने स्वार्थ अभिमान दर्प भोग विलास का ही प्रदर्शन किया है। हमारी संस्कृति उसका ज्यादा आदर और सम्मान नहीं करती। हम उनके प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखते हैं, किंतु जिन्होंने सारा जीवन कुछ विचार जियो और जीने दो सहनशीलता के साथ वीरता जैसे ऊंचे जीवन मूल्य का त्याग शांति और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उच्च आदर्श का तथा शस्त्र और शास्त्र अर्थात दुष्टों का संहार और धर्मात्माओं का अभेदान जैसे महान चरित्र का जिन्होंने प्रदर्शन किया है हम उन्हीं की पूजा आदर और सम्मान करते हैं। इसीलिए जब हम बोलते हैं यहाँ पर तीसरे सूत्र में तीसरे साधन में भक्ति योग और उपासना, तो इसका मतलब होता है कि ऊंचा मूल्य ऊंचा आदर्श और महान चरित्र। और आप सभी लोगों को मालूम है महानता जो है ना, बहुत अच्छा ख्याल आया, मैं थोड़ा सा बोल दूं, हमारे उपनिषद में घोषणा किया गया है। क्या उपनिषद में घोषणा किया गया? एक प्रश्न खड़ा किया गया कि कस्मिन प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा है, मतलब किसका सम्मान और प्रतिष्ठा है, जानते हैं? इसका उत्तर क्या दिया गया है उपनिषद में? कहा कि यत महत यत सत्यम, ये उत्तर है। कहा कि कस्मिन प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा है? उत्तर दिया यत महत यत सत्यम, अर्थात जो महान है और जो सत्य है उसी की प्रतिष्ठा है। महानता के तो दो लक्षण है, व्यवहारिक स्तर पर महानता के लक्षण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में बताया है कि मन वचन और कर्म में समानता ही महानता के लक्षण है। जीवन जीने में जिसके मन वचन और कर्म में समानता है वही केवल सम्मान पा सकता है, वही प्रतिष्ठा पा सकता है। जो हमेशा झूठ बोलता है, जो समय समय पर हमेशा मिथ्या भाषण करता है, बदलते रहता है, वो धन कमा सकता है लेकिन समाज में उसकी वचन की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसीलिए कहा यत सत्यम यत महत तत् प्रतिष्ठा, जो महान है और जो सत्य है उसी की प्रतिष्ठा है। और आध्यात्मिक धरातल पर आप जानते हैं महानता का लक्षण क्या है, किसको महान माना गया है? परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर निर्देश किया है कि भेद सर्वदा शांत भाव सम्मुख जीव महान। आध्यात्मिक धरातल पर यह है महानता का मापदंड कि भेद सर्वदा शांत भाव सम्मुख जीव महान। इसका अर्थ है कि जो जीव संसार के विषय प्रपंच से अंतर्मुखी होकर अपने पूर्व स्वरूप ईश्वर की ओर उन्मुख होता है सम्मुख जीव महान, वही जीव महान। याद है कि जो दुख द्वंद्वात्मक और अनित्य संसार प्रपंच से विविक्त होकर सत चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है केवल वही महान है। संसार में उसी की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। इसीलिए यदि हम तीन अभिलाषा रखते हैं कि शिक्षा पाए सुरक्षा पाए और सम्मान पाए पद पाए प्रभुत्व चाहे प्रतिष्ठा चाहे तो उनके लिए ये तीन सूत्र ये तीन साधन निश्चित किए गए हैं। संयम नियम का पालन, संस्कार युक्त शिक्षण प्रशिक्षण
और तीसरा साधन है भक्ति योग उपासना। आप लोगों को याद रह जाए इसीलिए तीन शब्द को याद रखना अंग्रेजी में, एक है डिसिप्लिन, संयम, डिसिप्लिन माने अनुशासन शिष्टाचार, डिसिप्लिन, शिक्षण प्रशिक्षण इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंड एजुकेशन। आप अकेला कितना भी मेहनत कर लीजिए, उच्च शिक्षा और उच्च पद आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आपको सही डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा डायरेक्टर। जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगा, उच्च शिक्षा नहीं होगा, उच्च पद नहीं होगा। तो डिसिप्लिन, डायरेक्शन और तीसरा है डिवोशन, और डिवोशन का ही मतलब भक्ति योग उपासना। यदि ये तीन चीजें आपके जीवन में है, डिसिप्लिन है, डायरेक्शन है और डिवोशन है, माने संयम नियम का पालन है, संस्कार शिक्षण प्रशिक्षण है और भक्ति योग उपासना है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे पद, ऊंचे से ऊंचे प्रभुत्व और ऊंचे से ऊंचे प्रतिष्ठा को पा सकते हैं, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पा सकते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर जो जीवन की तीन अभिलाषाएं हैं, इन तीन साधन के द्वारा पूरी हो जाती है। अब अंतिम दिन मौलिक स्तर पर जो जीवन की तीन नैसर्गिक इच्छा है, क्या तीन नैसर्गिक इच्छा है, आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान प्रमाण, ये शाश्वत सुख चाहता है जी, ये परम शांति चाहता है जी और नित्य स्वतंत्रता चाहता है जी। आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान या तो है शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता, यही इस जीव की तीन नैसर्गिक इच्छा है, यही इसकी वो प्यास है। जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी चीज से, यहाँ तक कि चाहे आप रोटी का प्राणापान की कितनी ही भव्य व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे आपको कितना ही पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन जब तक जीव के अंदर जो मौलिक रूप से तीन नैसर्गिक इच्छा स्वरूप भूत है कि हमें आनंद चाहिए, हमें अमरता चाहिए और हमें अखंड विज्ञान चाहिए, माना हमें शाश्वत सुख चाहिए, हमें परम शांति चाहिए और हमें नित्य स्वतंत्रता चाहिए। जब तक ऐसी स्थिति इसको प्राप्त नहीं हो जाती है, संसार के किसी खिलौने से आप इनको नहीं संतुष्ट कर सकते, नहीं कर सकते। और ये चाह रहा है ऐसा क्यों, नैसर्गिक इच्छा क्यों है, क्योंकि जीवन का जो मौलिक स्वरूप है ना, वो है सत चित आनंद और द्वितीय ग्रहण। यदि सत चित आनंद और द्वितीय ग्रहण जीवन का मौलिक स्वरूप है, जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, जब तक वह स्वरूप भूत चीजों को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं कर लेता है, तब तक वह किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सकता। और किसी भी तरीके से अन्य किसी भी तरीके से शाश्वत शांति प्राप्त, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता, परम शांति प्राप्त नहीं कर सकता और नित्य स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी अन्य विधि से यह जीव जब तक अपने परमात्म स्वरूप में सचित आनंद अद्वितीय ब्रह्म की स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, किसी अन्य विधि से ये अपने भीतर परमानंद की अनुभूति नहीं कर सकता, ये अमरता की अनुभूति नहीं कर सकता और ये अखंड विज्ञान को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए याद रखिए कि जब यह जीव अपने परमात्मिक स्वरूप में सब स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कर लेता है, तब इनको मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है और अमरता का अनुभव करता है। जब यह जीव अपने परमात्मिक स्वरूप में
अखंड विज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूपता को उपलब्ध कर लेता है, तभी इनके जीवन से मूर्खता का भय समाप्त होता है। जब यह जीव अपने परमात्मिक स्वरूप परमानंद की उपलब्धि कर लेता है, तभी इनके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख है उसकी आध्यात्मिक निवृत्ति हो पाती है। तो स्वरूप में अवस्थिति होगी कैसे? इस जीव को अपने परमात्मिक स्वरूप का ज्ञान होगा कैसे? तो कहा कि इस जीव के अंदर जो स्वरूप भूत तीन नैसर्गिक इच्छा है, परमानंद को प्राप्त करने की, अमरता को प्राप्त करने की, अखंड विज्ञान को प्राप्त करने की, ये तीनों चीजें जिस स्वरूप ज्ञान से स्वरूप अवस्थिति से प्राप्त होती है, तो उसके तीन साधन बताए गए हैं जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और ये तीन साधन कौन कौन है? पहला साधन है सत्संग, दूसरा साधन है स्वाध्याय और तीसरा साधन है अखिल साधना, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की भाव। सत्संग का अर्थ होता है जो सब स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, इस सब स्वरूपता का सदगुरु के सानिध्य में शास्त्र प्रमाण के द्वारा श्रवण करना। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि जो स्वरूप का श्रवण सदगुरु के सानिध्य में शास्त्र प्रमाण के द्वारा किया है, उसी का युक्ति पूर्वक चिंतन और मनन करना स्वाध्याय कहलाता है। और अभेद साधना का अर्थ होता है ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष अनुभूति करना, इसी को उपनिषद में निधिध्यासन की संज्ञा कहते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय और अभेद साधना, ये तीन उपाय है या श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधि ध्यासतव्य है, श्रवण मनन और निधि ध्यासन है, एक ही बात है। इस प्रकार से यह जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप सत्चित आनंद ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके यह मृत्युंजय जीवन अखंड विज्ञान और परमानंद की संपत्ति करके अपने जीवन से मृत्यु का भय, त्रिताप का दुख और मूर्खता की चपेट, इन तीन चीजों से सदा के लिए यह मुक्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं नित्य स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं कैवल्य, इसी को बोलते हैं नित्य मुक्ति। हम सभी लोगों ने जीवन विज्ञान के संदर्भ में इस जीवन देवता को जीवन की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मूलभूत तीन प्रश्नों पर विचार किया, और जो विचार संक्षेप में हम लोगों ने तीसरे प्रश्न पर किया है उसको विस्तार से हम अगले सत्र में कर सकेंगे। अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको एक साथ नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिए गए आशीर्वचन है हम सभी लोग एक साथ ग्रहण करें। निष्पापी को पति राज्य।
आहुति का जयकार तीन तीन बार होता है। दोनों हाथ उठा करके ललकार करें, पीछे से एक साथ बोले शांत हो, यो अंतरिक्ष